सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में लाइट मोशन एप्लीकेशन से, तो कैसे बना सकते हो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए नीचे प्रोजेक्ट मिल जाएगी, इसमें चले जाना। उसके बाद ये जो बीट मार्क वाली प्रोजेक्ट होगी, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट होगी वो ऑलरेडी एडिड होगी, यहाँ पर आपको अलग से जो टेक्स्ट है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको मेरे मटेरियल्स डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो वाली जो वीडियो होगी हाउ टू डाउनलोड माई मटेरियल्स, वो वाली वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि कैसे आप मेरे मटेरियल्स लोगों को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए जो टेम्पलेट यूज़ हुई है ब्लैक स्क्रीन वाली, अगर आपको एडिटिंग के लिए अनलिमिटेड टेम्पलेट्स चाहिए, तो यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर में मेरी एक न्यू एप्लीकेशन आई है NS टेम्पलेट वर्ल्ड, तो आप वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको अनलिमिटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे एडिटिंग के लिए, ठीक है। लाइटिंग इफेक्ट्स, ब्लैक स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, जो भी कुछ चाहिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ वो जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो जो फोटोज़ है इसमें जो शेक इफेक्ट है वो ऑलरेडी लगी हुई मिलेगी आपको बीट मार्क में। तो यहाँ पर इसमें अपनी फ़ोटोज़ को चेंज करना है बस आपको। यहाँ पर आगे वीडियो में मैं बताऊँगी कि कैसे आप इसमें अपनी फ़ोटोज़ को लगा सकते हो, इसीलिए वीडियो विदाउट स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये टेक्स्ट फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बीट मार्क्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये जो बीट मार्क्स होगी उसमें यहाँ पर आपको सिंपली फ़ोटोज़ को ऐड कर देना है। उसके लिए यहाँ पे प्लस पे चले जाना, मीडिया में चले जाना, और यहाँ पर देखिए फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बीट मार्क पे आ जाना, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर फोटो वाली ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम कर देना। और आपकी फ़ोटो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी तो थ्री डॉट्स पे चले जाइए और फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस पे चले जाइए, मीडिया में यहाँ पे ऑल लिखा हुआ शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। जिस भी किसी फोल्डर्स में से आपको फ़ोटो लेना होगा आप वहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ थे उसे ऐड कर दी हूँ। अभी इन फ़ोटोज़ में शेक वाली इफेक्ट लगाने के लिए आपको बैक चले जाना, और ये जो शेक वाली प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे से आकर इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो फ़ोटो है इसकी जो शेक इफेक्ट है इसे कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पर जाइए थ्री डॉट पर और कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैक चले जाना, और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीट मार्क में जब भी फ़ोटो स्टार्ट हो जाती है, हमने अभी जो फ़ोटोज़ ऐड किए थे उस पर क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पे जाइए थ्री डॉट पे और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको जो सभी फ़ोटोज़ हमने ऐड किए थे उसमें यही वाली इफेक्ट्स को लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो सभी फ़ोटोज़ में ये वाली इफेक्ट को लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर ये जो फ़ोटोज़ ऑलरेडी एडिट थी, तो इसमें अपनी फ़ोटोज़ लगाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, इस पॉली जो फ़ोटो होगी इस पर क्लिक कर दीजिए, कलर एंड फिल्स पे जाइए, और यहाँ पर इमेज का नाम शो हो जाएगा तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ़ोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको फ़ोटो चेंज करना होगा तो आपको जिस भी किसी फ़ोटो को ऐड करना है उसे सेलेक्ट कर यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी आपकी। इसी तरीके से ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है उसे भी कर लेना है, फ़ोटो पे क्लिक कर देनी, कलर एंड फिल्स में जाना, और यहाँ पे से आपको दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनके तैयार हो चुकी है, मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ। तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में बर्थडे वाली, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।